जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 65 क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। यस, ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी का सेशन है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से क्वेश्चन है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, साधारण वाक के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो साधारण वाक होते हैं उनके अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा पूर्ण विराम का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, साधारण भाग के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा? पूर्ण विराम चिन्ह किस प्रकार का होता है? तो इस तरीके का होता है पूर्ण विराम चिन्ह, और इसे अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप कहा जाता है, जो इस प्रकार का होता है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। गुड, क्वेश्चन नंबर दो इस प्रकार से है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे, उनका नाम क्या था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, एंड आपका टारगेट रहेगा 55 का। तो सभी क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यस दीपक, अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, सूरदास के गुरु कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बल्वाचार्य। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, बल्वाचार्य सूरदास के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर तीन इस प्रकार से है, पराधीन का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है? पराधीन का संधि विच्छेद बताना है क्या होता है। दो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में संधि विच्छेद से संबंधित पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? पराधीन का संधि विच्छेद क्या होता है? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा, फिर से सभी लोग आंसर दीजिए। गुड, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा, पर धन अधीन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पर धन अधीन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। गुड, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। इसमें तीन तद्भव शब्द होंगे और एक तत्सम शब्द है, उसका चयन कीजिएगा। बताइए इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? गुड, ए करेक्ट आंसर होगा मुमुक्षु। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मुमुक्षु एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कब तक सुबह 7 बजे क्लास होती है? सुबह 7 बजे क्लास होती है जीके जीएस की, उसके बाद सुबह 10 बजे रीडिंग की क्लास होती है, और ये वाली क्लास हिंदी की स्पेशल शाम को 3 बजे होती है। एक क्लास होती है शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास है। ये सभी क्लासेस स्पेशल परीक्षा के लिए हैं, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। यस दीपक कुमार, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मुमुक्षु एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव इस प्रकार से है, मेरठ व दिल्ली के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? इसका आंसर क्या होगा? मेरठ और दिल्ली के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या फिर अवधी? गुड, सी करेक्ट आंसर होगा, खड़ी बोली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, खड़ी बोली करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली व मेरठ के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है। बहुत अच्छे, यस सी करेक्ट आंसर होगा, खड़ी बोली करेक्ट आंसर होगा इसका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में अगर आप लोग आंसर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा होती है उसे क्या कहते हैं। अब ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा, बोली कहते हैं। यस, बोली कहलाती है जो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई। मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, ये करेक्ट आंसर होगा, भोपाल से। यस, मध्य प्रदेश के भोपाल से मीडिया नवचिंतन प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर आठ है, निम्न में अव्यय बताइए कौन सा है। बताइए इसमें अव्यय कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा। यस, सी करेक्ट आंसर है, आह एक अव्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन इस प्रकार से है, एक मुहावरा दिया गया है, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, बढ़ावा देना, कष्ट देना, रेस्ट बताना या फिर साहस दिखाना। ये क्वेश्चन नंबर नाइन है, वेरी गुड, ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ावा देना। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ होता है बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको देशज शब्द बताना है। लाश, धड़ाम, पतलून या फिर औरत, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर टेन के लिए आंसर करिएगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, लाश देशज शब्द नहीं है। फिर से आंसर करिए, गुड, बी करेक्ट आंसर होगा, धड़ाम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, धड़ाम एक देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, अजीर का अर्थ क्या होता है। क्या पूछा गया है, अजीर का अर्थ क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर क्लास खत्म होने के बाद उन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए, आगे से प्रश्न गलत नहीं होंगे। बी करेक्ट आंसर होगा, आंगन, अजीर का अर्थ होता है आंगन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है, समाज से संबंधित क्वेश्चन है, देव जो महान है यह किस समाज का उदाहरण है। देव जो महान है, अव्यय भाव, कर्म धारय, तत्पुरुष या फिर बावरी। बी करेक्ट आंसर होगा, कर्म धारय। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, देव जो महान है कर्म धारय समाज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए, कैंची किस भाषा का शब्द है। कैंची किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर तुर्की। गुड, कैंची किस भाषा का शब्द है, डी करेक्ट आंसर होगा, तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा, एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में बताइए विशेषण क्या है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, ये वाक्य है और इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है। गुड, क्वेश्चन नंबर 14 है, सी करेक्ट आंसर होगा, चतुर एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, अलग होने के बोध का कारक कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग होने का बोध का कारण कौन सा है, कर्म, अपादान, संप्रदान या फिर संबंध। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा, अपादान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अपादान अलग होने के बोध का कारण है, बी करेक्ट आंसर होगा। और इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है,
इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। दो शब्द दिए गए हैं गणना और गणना, इनका अर्थ बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। दो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का अर्थ बताना है क्या होता है। बी करेक्ट आंसर होगा गिनती और चुभना। गणना का अर्थ होता है गिनती और गणना का अर्थ होता है चुभना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। 17 के लिए आंसर करिए। वाजी का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा निम्न में से। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें वाजी का पर्यायवाची शब्द है। ए करेक्ट आंसर होगा अश्व, घोटक, घोड़ा। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं वाजी के, घोड़ा के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। थाली का तत्सम बताइए क्या होता है। थाली एक तद्भव शब्द है। थाली किस प्रकार का शब्द है पूछ सकते हैं, एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बताइए क्या होता है। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा स्थाली। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, थाली का तत्सम होता है स्थाली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर्यायवाची संबंधित प्रश्न है। पुलिंग का पर्यायवाची बताइए निम्न में से कौन सा शब्द है। कुलीन, प्राचीन, नवीन, कगार, इस प्रकार से ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द पुलिंग का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यस दीपक, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा कगार। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पुलिन का पर्यायवाची होता है कगार, किनारा, तट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सभी के आंसर गलत हैं। ए करेक्ट आंसर कैसे होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। कगार करेक्ट आंसर होगा पुलिन का अर्थ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस पाक में बताइए उस शब्द है किस प्रकार का विशेषण है उस। गुड, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर दीजिएगा सभी। सी करेक्ट आंसर होगा संकेत वाचक विशेषण है। उस पुस्तक में या उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो एक संकेत वाचक विशेषण हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। अच्छा क्वेश्चन है। यस संतोष, इस बार आप सभी का सिलेक्शन होगा, आप सभी की तैयारी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यौगिक। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यौगिक। करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या फिर संस्कृत। बी करेक्ट आंसर होगा पंजाबी। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और जो पंजाबी है पूछा जाता है किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा, गुरलिपि लिखी में लिखी जाती है, और ये प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार से है, ध्यान पूर्वक शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान पूर्वक शब्द रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से है, रचना से संबंधित क्वेश्चन है। द्रुप स्वामी के रचयिता कौन है। यस दीपक, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। द्रुप स्वामी के रचयिता बताइए कौन है, किसकी रचना है द्रुप स्वामी। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर है इसका। जयशंकर प्रसाद, कई बार मैंने आपको बताया है
कई बार मैंने आपको बताया है द्रुप सामनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा आंसू, कामायनी, आंधी, ममता, इन सभी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और ये पूछी जाती हैं परीक्षा में। ये सभी रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सी है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पराया, अपना, जागरण या फिर शब्द। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, जागरण, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जागरण एक भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, आंसर करिए खेलना शब्द का विशेषण बताइए। खेलना शब्द से बना विशेषण इनमें से कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खिलाड़ी, या सी करेक्ट आंसर होगा, खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से है, उस कवि को क्या कहते हैं जो तत्काल कविता करे, क्या कहलाता है कवि जो तत्काल कविता करे। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा आंसू कवि, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वह कवि जो तत्काल कविता करे आंसू कवि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है, निम्न में से आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, उपर्युक्त किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपर्युक्त किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। डी करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार से है, संपन्नता का विलोम क्या होता है, संपन्नता का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा निर्धनता, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संपन्नता का विलोम होता है निर्धनता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए, बी रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, बी रस का स्थायी भाव आपको बताना है क्या होता है। सी करेक्ट आंसर होगा उत्साह, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बी रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। गुड, 31 के लिए आंसर करिए, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, यस, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार से है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, त्रिपिटक, भारत, लेखक या फिर गंगा। तो सी करेक्ट आंसर होगा, लेखक एक जातवाचक संज्ञा है, लेखक किस प्रकार की संज्ञा है यह भी पूछ सकते हैं, लेखक एक जातवाचक संज्ञा है, बाकी आप लोग याद रखिएगा त्रिपिटक, भारत, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, निम्न में से कौन तद्भव शब्द नहीं है, इनमें से कौन तद्भव शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा तद्भव, तद्भव एक तद्भव शब्द नहीं है, यह किस प्रकार का शब्द है, एक तत्सम शब्द है, किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से है, एक मुहावरा दिया गया है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, इस मुहावरे का बताइए सही अर्थ क्या होता है। एक मुहावरा दिया गया है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, इस मुहावरे का बताइए सही अर्थ क्या होता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ए करेक्ट आंसर होगा, अपने मुमिया मिट्टू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, कान, जीभ, मुख या फिर दांत, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तो सी करेक्ट आंसर होगा मुख, मुख एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं, कान, जीभ, दांत, ये सभी तद्भव शब्द हैं, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 इस प्रकार से है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में बताइएगा कितनी बोलियां हैं, 15, 25, 18 या फिर 22। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, 22 करेक्ट आंसर नहीं होगा,
क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा में पूछा गया है कितनी भाषाएं बोलियां हैं। सी करेक्ट आंसर होगा 18। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है, निम्न में से बताइए कौन सा युग्म सही है। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा। चिदंबरा को किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बाकी ये तीनों गलत हैं। डी सिर्फ करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से है, बरेली व पीलीभीत में कौन सी बोली बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है? ब्रज कन्नौजी, भोजपुरी अवधी, बघेली बुंदेली या फिर ब्रज भोजपुरी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, बरेली व पीलीभीत में पूछा गया है कौन सी बोली बोली जाती है, ए करेक्ट आंसर होगा ब्रज कन्नौजी, या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ब्रज कन्नौजी बोली के अंतर्गत आता है बरेली पीलीभीत, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिम तरंगड़ी, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिम तरंगनी के लेखक कौन है, किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगनी, और इसी पर माखनलाल चतुर्वेदी को इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से है, हरियाणवी व बांगरू बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा, ये दोनों बोलियां किस अभ्रंश से विकसित हुई हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमोत्तरी सौर सैनी अभ्रंश से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, कुछ पंक्तियां आपको दी गई हैं, बताइए इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहले पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। पंक्तियों को पढ़िए ध्यान से, पंक्तियां इस प्रकार से हैं, उस काल मारी क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा, इसमें बताइएगा कौन सा रस है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बी करेक्ट आंसर होगा, रौद्र रस है, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड, यस बी करेक्ट आंसर होगा, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है इस बार, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार से है, चार ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जवाब गुलाब, हिसाब या फिर शराब, इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा है। गुड, 43 प्रश्न नंबर है ये, डी करेक्ट आंसर होगा शराब, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, शराब एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जवाब हिसाब गुलाब ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, शराब करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिए, नारियल का तत्सम बताइए क्या होता है? नारियल का तत्सम बताइए क्या होता है? नारियल एक तद्भव शब्द है, नारियल किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है नारिकेल, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ए करेक्ट आंसर होगा, नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। 45 इस प्रकार से है, दूध का पर्यायवाची इसमें क्या होगा? मेघ पीयूष घन पतंग, इसमें बताना है दूध का पर्यायवाची शब्द, तो बी करेक्ट आंसर होगा, पीयूष दूध का भी पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिए, गोष्ठी का बताइए पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा? गुड, गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द बताइए इनमें कौन सा है? ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, कलेबर शरीर का पर्यायवाची होता है, कलेबर किसका पर्यायवाची होता है? शरीर का पर्यायवाची होता है, ए करेक्ट आंसर कैसे होगा? डी करेक्ट आंसर होगा सभा, यस
गोष्ठी का पर्यायवाची होता है सभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो सी करेक्ट आंसर होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। यस, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 48 इस प्रकार से है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ललाम। सी करेक्ट आंसर है, ललाम स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तरुणी, प्रमदा, ललना, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ललाम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कई बार मैंने आपको बताया है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की आदि जननी बताइए इसमें क्या है, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत? तो बी करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत। ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, इसी प्रकार से पूछा गया था, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, अभिधन उदय की संधि है, ये किसका संधि विच्छेद है? अभिधन उदय, दीपक दिल्ली। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, अभिधन उदय की संधि बताइए। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होता है? अभिधन उदय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिएगा, अम्बुज का पर्यायवाची शब्द बताइए इनमें से क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए अम्बुज का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, ए करेक्ट आंसर होगा, कमल, शंख, ये सभी अम्बुज के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिए, पारातन्ना मावे का सही अर्थ क्या होता है? पारातन्ना मावे का सही अर्थ क्या होता है? तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बी करेक्ट आंसर होगा, क्रोध कम होना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पारातन्ना मावे का सही अर्थ होता है क्रोध कम होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गुड, 53 के लिए आंसर करिएगा। यस दीपक, 53 के लिए आंसर करिए, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह बताइए क्या है? क्वेश्चन को समझिएगा, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या है? माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी या माल द्वारा गाड़ी, इस प्रकार से ऑप्शन है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, माल के लिए गाड़ी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, माल गाड़ी का समास विग्रह होता है माल के लिए गाड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 54 के लिए आंसर करिए, बताइए निम्न में से जातवाचक संज्ञा कौन सी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, क्या पूछा गया इसमें, जातवाचक संज्ञा बताइए कौन सी है? गुड, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मजदूर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मजदूर एक जातवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात, बताइए इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, रात। रात एक तद्भव शब्द है, रात किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है, और अगर पूछा जाए इसका तत्सम क्या होता है, रात्रि होता है, रात्रि होता है रात का तत्सम। बाकी आप लोग याद रखिए, इंदु, मनोज, दिनेश, ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, रात एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आंसर करिए,
छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या फिर पूर्वी हिंदी? डी करेक्ट आंसर होगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 57 के लिए आंसर करिए, बताइए निम्न में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? इनमें से कौन से शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, मतलब पुल्लिंग शब्द है, उनका चयन कीजिएगा। 65 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, अभी 8 क्वेश्चन और बचे हैं। गुड, डी करेक्ट आंसर होगा, सप्ताह महीना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सप्ताह महीना ये पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी यमुना, गंगा, आंख, नाक, पंजाबी, बंगाली, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आंसर करिए, विश्व का पर्यायवाची शब्द बताइए कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा शब्द विश्व का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर बताइएगा। गुड, बी करेक्ट आंसर होगा, संसार होता है विश्व का पर्यायवाची। क्या होता है? संसार होता है विश्व का पर्यायवाची शब्द। 59 के लिए आंसर करिएगा, फिर से एक मुहावरा दिया गया है, आठ आठ आंसू रोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गुड, आठ आठ आंसू रोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा, पछताना। क्वेश्चन नंबर 60 इस प्रकार से, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गगन, नभ, अंबर या फिर अवनी? गुड, डी करेक्ट आंसर होगा, अवनी। तत्वी का पर्यायवाची होता है, अवनी किसका पर्यायवाची है? तत्वी का पर्यायवाची है। बाकी गगन, अंबर, नभ ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 61 इस प्रकार से है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अवनी तद्वी का पर्यायवाची होता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पासाड। पासाड पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। यस, पासाड करेक्ट आंसर होगा। 62 के लिए आंसर करिएगा, यातु धान का पर्यायवाची शब्द बताइए इसमें कौन सा होगा? इन चार ऑप्शन में से कौन सा यातु धान का पर्यायवाची शब्द है? तो डी करेक्ट आंसर होगा, राक्षस, निशाचर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ये दोनों राक्षस, निशाचर, यातु धान के पर्यायवाची हैं, दानों के पर्यायवाची हैं, असुर भी इन्हीं का पर्यायवाची है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 63 इस प्रकार से है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए निम्न में से कौन सा है? चलन, वसन, गगन या फिर जंगल, इनमें से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वसन, कपड़े का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 64 इस प्रकार से है, निम्न में से बताइए किस शब्द में गुड़ संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन या फिर देवेंद्र? इसमें बताइए किस शब्द में गुड़ संधि है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा, देवेंद्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, देवेंद्र में गुड़ संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, देवेंद्र में है गुड़ संधि। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए, क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चार ऑप्शन दिए गए, मेदपोष, मिठास, सौतेला, सरलता, इनमें से किस शब्द में विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है इनमें से? तो सी करेक्ट आंसर होगा, सौतेला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सौतेला एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 65 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, GKGS की क्लास होगी, टाइम को याद रखिएगा, शाम को 8 बजे। रितेश, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका।
क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यस, चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।